नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव श्याम सिंह राजपुरोहित ने 9 जनवरी को आदेश जारी कर पंचायत चुनाव में बड़ा फेरबदल किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार नागौर जिले में 14 पंचायत समितियों में 6 में ही चुनाव होंगे, जबकि 8 पंचायत समितियों के ग्राम पंचायतों में चुनाव नहीं होंगे। जानकारी के अनुसार प्रथम चरण में नागौर जिले के मौलासर, नावा, जैल व नागौर पंचायत समिति के सभी ग्राम पंचायतों में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव होंगे। पंचायतों के बारे में यह बात यह है कि जो नई पंचायतें बनी है उनका चुनाव स्थगित करना था इनको, बाकी पंचायतों का चुनाव यथावत रखना था। इसे कोई पार्टी सिंबल पे तो कोई खड़ा नहीं है, सबके पर्सनल चुनाव चिन्ह है, तो उनका खर्चा भी लग रहा है, वो खर्चा गवर्नमेंट देगी क्या? गवर्नमेंट को ये चुनाव यथावत रखने चाहिए, 17 तारीख को कराने चाहिए, जो नई पंचायतें बनी है उनके स्थगित कर सकती है। गवर्नमेंट ने कोई परिसीमन किया है उन पंचायत समितियों में, तो परिसीमन को लेकर कोर्ट में पहले चल रहा था कोई वाद, उस पर स्थगन आदेश मिल गया है। तो हमने तो पूरी रात को तैयारी कर ली थी नाम निर्देशन करवा के, और बैलेट तक भिजवाने के नागौर की व्यवस्था थी, फिर रात को मैसेज आ गया कोई स्थगन आदेश आ गया, आगामी आदेश तक यथावत स्थिति में सील करके और बैंक को रख दिया गया। निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार आगामी जो भी वो राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यक्रम आगा तो वापस चुनाव की प्रक्रिया चालू कर देंगे। तो कुचामन हमारे तो परिसीमन का था सवाईपुरा का, कोई उसी के कारण बार बार चेंज हो रहा था। इसके अलावा जहाँ भी परिसीमन हुआ है चेंज, उन सब ग्राम पंचायतों में एक बार स्थगन आदेश दे दिया है कोर्ट ने, और जिनमें कोई परिसीमन चेंज नहीं था उनमें चुनाव यथावत निर्धारित चरणों में हो रहे हैं।